का वीकली टेक अपडेट एपिसोड 2 में स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस वीक में जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आए हैं उसी के बारे में, और बात करेंगे नेक्स्ट वीक में आने वाले लॉन्चेस और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक और न्यू चैनल आ गया है फाइनेंस के लिए, जो चैनल मैंने बनाया है उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे हम रोज़ डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, कभी कभार एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डेली एक वीडियो अपलोड किया जाता है। उसे सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए चेक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देखने को मिले हैं इस वीक की। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करें, वो आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सारे ही अकाउंट्स जो थे, सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ने तो शायद अभी उसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था पर्सनल वाला, वो पोटस वाला नहीं, जिस पे वो जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाला, वो वाला नहीं, जो रियल अकाउंट था उन्हें, उसे परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि क्योंकि वो अभी 20th को उनका ख़त्म होगा, और फिर 20th के बाद जो बाइडन आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के, लेकिन ट्रंप नहीं चाहते हैं। ट्रंप बोलते हैं कि नहीं, हम ही जीते हैं, तो इसके लिए वो सब दंगे वंगे ना हो, इसके लिए उन्होंने सीधा सीधा जो ट्रंप का अकाउंट था, सोशल मीडिया अकाउंट था ट्विटर ने, अपना जो उनका अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, उसे परमानेंटली बैन कर दिया है। अगली बात करें तो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहा व्हाट्सएप की एक न्यूज़। व्हाट्सएप का कुछ प्राइवेसी अपडेट आने वाला है, जो 8 फरवरी तक अगर आप अग्री कर लेते तो ठीक है, वरना 8 फरवरी के बाद वो कंपलसरी हो जाएगा। नहीं अग्री करोगे तो आप व्हाट्सएप अकाउंट अपना डिलीट कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ने सीधा सीधा कहा है। उसमें कुछ प्राइवेसी इशू है व्हाट्सएप के, कि व्हाट्सएप जो आपके डेटा है, अभी आपका नंबर है, लोकेशन है, आईपी एड्रेस है, और भी काफ़ी सारे डेटा है, क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो सब व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा, फेसबुक को देगा, फेसबुक आपके डेटा को सेल करेगा, या उससे आपको एक टारगेटेड और एड्स दिखाएंगे, कुछ दिखाया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप का एक प्राइवेसी इशू है, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन था, वो कितना वर्क करता है इसमें, कितना नहीं करता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच इसी न्यूज़ के कारण टेलीग्राम और सिग्नल को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सिग्नल एक यूके ऐप है, जो कि फंडेड ऐप है, मतलब उसका कोई सोल प्रोपराइटर ओनर नहीं है उसका कोई, एक फंडेड ऐप है, फंडिंग होती है उस ऐप के लिए, और उस ऐप को बनाया जाता है, वो प्योरली सिक्योर्ड ऐप है, उसमें कुछ भी प्राइवेसी इश्यूज़ नहीं है। और टेलीग्राम है, जिसपे भी थोड़े बहुत डेटा वो लोग लेते हैं, लेकिन इतने नहीं लेते जितने व्हाट्सएप लेता है। सर्वे किया गया था गूगल की तरफ से, एप्पल की तरफ से, एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर की तरफ से, कि कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा डेटा लेता है फ़ोन्स में। तो उस पर सर्वे में सबसे ऊपर फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आए, जो कि ऑब्वियसली बात है वो लेते हैं, उसे सेल करते हैं, या टारगेटेड एड्स आपको दिखाए जाते हैं। तो ये कुछ प्राइवेसी इशू है। अब आप बताइए, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करोगे नहीं करोगे, स्विच कर रहे हो किसी और अल्टरनेटिव ऐप पे, क्योंकि आपके अकेले स्विच करने से कुछ नहीं होने वाला, काफ़ी सारे लोगों को आपके साथ ऐप को स्विच करना पड़ेगा, ताकि सब एक ही ऐप पे कनेक्ट हो सके। देखते हैं क्या होता है आगे, इसमें कोई अपडेट आती है या नहीं आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें, RTI फाइल की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई पबजी जो है वो कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ अपडेट उसके ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा क्लियरली नो कह दिया है कि नहीं, अभी हमारा कोई विचार नहीं है पबजी को अनबैन करने के इंडिया में। तो पबजी कॉरपोरेशन जो इंडिया की है, वो उनकी तरफ से तो पूरा तैयारी की गई है, पूरे ऐप को क्लीन कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं अलाउ कर रही उस ऐप को आने के लिए, वो अभी भी अलाउ नहीं कर रहे, अमेरिका से नहीं ही करना चाहिए। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि पबजी अनबैन हो जाएगा, एक बार फौजी गेम आ जाता है उसके बाद पबजी को अनबैन कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फौजी आने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि पबजी को अनबैन कर दिया जाएगा, क्योंकि पबजी गेम को अनबैन कर दिया गया, तो जितने भी ऐप्स गेम्स जो बैन किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ 100+ ऐप्स गेम्स है, टिकटॉक है, वो सब भी यही करेंगे कि फिर वो इंडिया के लिए अलग वर्जन ले आएंगे और वो वापस इंडिया में आ जाएंगे। तो एक को अनबैन करने से काफ़ी सारों को वापस अनबैन करने वाला इशू उठ सकता है, तो शायद उसके कारण वो अनबैन ना ही करें। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, फौजी की तरफ से आ रही है, फौजी का फाइनली लॉन्च डेट आ गया है, 26 जनवरी को फौजी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। प्री रजिस्टर जिन्होंने किया है उन्हें 26 जनवरी को मिलना शुरू हो जाएगा, जिन्होंने प्री रजिस्टर नहीं किया है 26 जनवरी के बाद जाकर, आप कुछ टाइम के बाद जाकर आप प्ले स्टोर से ओपनली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर जो है वो आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन ने 30 लाख का जो माइलस्टोन है वो मतलब कर दिया है। अब एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख रुपीज़ है, एक साल में वो डबल से ज़्यादा आपको देखने को मिला है, कुछ साल में नहीं, कुछ हफ्तों में ही वो डबल से ज़्यादा आपको होते हुए देखने को मिला है। और काफ़ी ज़्यादा लोग अब उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। मेरी तो यही ओपिनियन है कि भाई जब तक कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रहती है उसके ऊपर, जब तक कोई नज़र रखने के लिए नहीं है,
ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुझे नहीं ये प्रॉपरली जम रहा है, क्योंकि काफ़ी कंट्री ने बैन करके रखा है, काफ़ी कंट्री अलाउ कर रही है, कुछ कर रही है कुछ नहीं कर रही है। तो एक बार सब चीज़ क्लियर हो जावे उसके बाद देखते हैं, जितनी तेज़ी से बढ़ा है उतनी ही तेज़ी से वो नीचे भी आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट वीक में होने वाले लॉन्चेस के बारे में, कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की जो लॉन्च हो रहा है, वो हो रहा है वन प्लस स्मार्ट बैंड। सबसे पहले बात करें तो वो आ रहा है वन प्लस का बैंड, 11th जनवरी को लॉन्च होगा, मंडे को इंडिया में वन प्लस बैंड वन प्लस वॉच लॉन्च होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो वन प्लस के प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं 11th जनवरी को। उसके बाद बात करें तो वो हो रहा है सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट, सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज जो होती है उसका अनपैक इवेंट होने वाला है। S21 Pro और फ्लिप फोन भी शायद लॉन्च हो सकता है, जो कि 14th जनवरी को आपको लॉन्च होते हुए इंडिया में देखने को मिलेगा। देखते हैं कब लॉन्च होता है, क्या प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च होता है, दोनों के ही लाइव इवेंट आपको हमारे चैनल पर होते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, वह है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। अभी से हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे, वीडियोस लंबे ना हो, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कुछ भी है उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको कुछ परचेस करना है नहीं करना है आप वो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।